हमारी जो सकाफत है उसमें रूफ टॉप लाइफ का बड़ा दखल है। देखते हैं कि पिजन फ्लाइंग भी रूफ टॉप पर है, कपड़े सुखाने रूफ टॉप पर है, गर्मियों में ऊपर छत पे सोना, और इसी तरह सर्दियों में दोपहर को वहाँ बैठ के औरतें अपने सब्जियाँ भी काट रही होती हैं, दाने भी खा रही होती हैं। ये रूफ टॉप हमारे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसे में ऊपर जो जो ऊपर जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के, तो वह हवा भी ज़्यादा साफ होती है, तो ये बड़ी हेल्दी एक स्पोर्ट डेवलप हो गई थी काइट फ्लाइंग, और वो स्पोर्ट थी बाकायदा। उसमें बड़े बड़े वो जो कर रहे होते थे, गुड़ियाँ उड़ा रहे होते थे, उनको हम खिलाड़ी कहा करते थे। वो साल के साल 15-20 दिन के लिए नज़र आते थे। सर्दियाँ आती थी तो काइट फ्लाइंग शुरू हो जाती थी, और जो ही सर्दियाँ ख़त्म होती थी, पहला दिन जो बहार का होता है वो बसंत का दिन होता था। अगर किताबें उठा के देखें तो ये 200 BC से पहले का शौक है पतंगबाजी का, जो डेवलप होते होते फाइटर काइट वे द बड़े सगीर में आया, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में की जाती है। पतंग उड़ाना या पतंगबाजी जिसको बाद में कहने लगे, दरअसल एक खेल है आम आदमी का और सस्ता खेल। प्रोफेशनल पतंगबाज जो हमारे वक्त में थे वो तो वो लोग थे जो खुद पतंग बनाते थे, पतंग उड़ाते थे, पतंग लड़ाते थे, उसके मैचेस होते थे, मुकाबले होते थे, और वो ज़्यादा हम लोग पतंगबाजी अपनी जो है वो मिंटो पार्क जो मीनारे पाकिस्तान जहाँ बना हुआ है, तो हम लोग वहाँ अपना सारा कुछ जाके शुगल करते थे, और वो छुट्टी के दिन अक्सर होता था जुमे और इतवार को। जो पतंग उड़ाने वाला है वो बिल्कुल बसंत के दिन पतंग उड़ाना भी जो है ना वो अच्छा नहीं समझता, इस वास्ते कि वहाँ पर इंफरादी मुकाबले होते थे, पता होता था किसकी पतंग है, कौन उड़ा रहा है, कौन बेचारा लड़ा रहा है, किसके साथ लड़ा रहा है, और वो पता चलता था। एक दूसरे को अपने हाथ दिखाते थे, अपने दौ दिखाते थे, और फिर काटते भी थे। लेकिन उसमें कोई राइफल बंदूक क्लाशनिकोव नहीं होते थे, ठा ठा गोलियां चले कुछ नहीं, हार गए तो गले मिल लिए, जीत गए तो गले मिल लिए। तकरीबन 3 फुट बाई 5 फुट के फट्टे रखे गए, उसके ऊपर चढ़ के सब लोग उसको बंदे को देख रहे होते थे, वो पेज लड़ाते थे, और वो फट्टे से उतरना जो है वो फॉल समझा जाता था। अगर आप फट्टे से उतर गए हैं तो आपका पेज कटा हुआ तो सब्र किया जाएगा। आप देखिए किस कदर तवाज़ुन का फन है कि पतली सी डोर पे बड़ी सी पतंग हो और आप हवा का रुख पहचान के हाथ की जुम्बिश से उसको उड़ाते रहे, वो गिरे नहीं, उसको कोई दूसरा मात करके गिरा ना सके। पतंग जो है ना ये एक बड़ी कम्युनिकेशन वाली चीज है। आप देखें कि आप 10,000 गज आपके आगे पतंग है और आपके हाथ में डोर है, आपकी डोर जो है ना इतना ज्यादा कम्युनिकेट आपको करती है कि इस वक्त पतंग क्या जा रही है, कहाँ कोई डोर आपके साथ लग रही है कि नहीं लग रही, कोई डोर आपको काट रही है नहीं काट रही, आपकी डोर किसी को काट रही है कि नहीं काट रही। लेकिन जब से इसको अगवा कर लिया, इस खेल को साहिब हैसियत तो पैसे वालों ने, और ये तमाशा बन गया खेल की बजाय। देखिए हम बाहर की दुनिया को अपने खेल में शरीक कर सकते हैं, हम उन लोगों को अपने त्यौहार के मुतालिक बता सकते हैं जो हमारे त्यौहारों के मुतालिक नहीं जानते, मगर ये क्या तरीका है कि या हम 180 दर्जे के फ़र्क से सोचते हैं हमेशा। कुछ ने तो ये कह दिया बसंत हराम है, त्यौहार हराम नहीं है, किसी भी चीज़ में हद से गुजर जाना हराम है। काइट फ्लाइंग जो है इसका कोई हिंदू मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, इस सरजमीन की मौसम से ताल्लुक है। ये हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, हिंदुओं का त्यौहार बसंत पंचमी है। पतंगबाजी जड़ी है उत्थों चली सी इब्तदाई अपना चाइना तो, ते चलते चलते हाले पूरी दुनिया के फैल चुकी, हूँ ये फन बन चुके हैं, जिंद कंस्ट्रक्शन मतलब मैनुफैक्चरिंग है,
ਜੇ ਪਤੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਆਰਟ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਪਤੰਗ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।